14 से आपके आंसर्स आ क्या रहे हैं ये ध्यान में रहे, एक्सप्लेन भी करना होगा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो पहली बात तो ये कि आपका जो मेजर एक्सेस है वो अलोंग टू, मेजर एक्सेस है वो अलोंग टू एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस से मुराद क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ पैराबोला, मेजर एक्सेस बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो आपका बता रहा है कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सेस की जानेब वो फिर है। ठीक है बेटा, तो ये बताइए इक्वेशन कौन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगी। हमने डायरेक्टर्स की इक्वेशन पढ़ी थी x इज इक्वल टू माइनस ए, लेकिन माइनस ए जब यहाँ आ जाएगा तो वो प्लस टू हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज सही आंसर है, और वो है 15 का, जी जनाब 15 का ए पार्ट। ओके 15 का ए, सब बच्चों ने 15 का ए बताया है जी, 15 बी नहीं होगा नबीरा नदीम, ए पार्ट होगा। नबीरा आपका गलत है, बाकी सब ए ए पार्ट बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब क्या होगी भाई इतना बताइए, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला 16, शाबाश। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ए ऑप्शन है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ए ऑप्शन है। इसको करेक्ट करिए कैसे समझिएगा, देखें एक मिनट मैं इसको जरा ऐसे रखूं। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला के अंदर ये जहन में रहे कि तुम लोग जो है ना वो इक्वेशन को देखोगे, ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन है, तो इक्वेशन थी एक्स बराबर है माइनस ए के, याद होगा तुम लोग को। तो जब हम बात करेंगे ए की, तो ए हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ए कैसे निकला, 4a इज इक्वल टू 8, और 4 को डिवाइड कर दिया 8 से तो 2 के बराबर है, तो x बराबर हुआ माइनस 2 के, और जब माइनस 2 को यहाँ उठा के लाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस 2, ये प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। एज इट इज अगर हम बात करें 17 की, 16 की, तो यहाँ पर पैराबोला ओपन्स y एक्सिस है, और y एक्सिस भी वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा वो। ठीक है, तो a कैसे निकलेगा, कंपेयरिंग करेंगे, आप कंपेयरिंग करेंगे तो a कैसे निकलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है, और जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 a के बराबर होगा तो आपके पास यहाँ पर जनाब a की वैल्यू बनेगी 4 3 12, एंड y इज इक्वल टू माइनस थ्री, और माइनस थ्री यहाँ उठकर आके क्या बन जाएगा, प्लस 3। तो जिन्होंने मिस्टेक करी है वो चेक कर लें भाई कि ये आपका आंसर होना चाहिए। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, ऑप्शन सी नहीं है ऑप्शन ए है, समझ में आ गई उसामा। अच्छा भाई कुछ बातें मुझे आपके हवाले से करनी थी थोड़ी सी, कि भाई वो मुझे पहले कंफर्म करें क्या यहाँ सारे बच्चों की फीसें सबमिट हो गई हैं। जिन बच्चों की सबमिट हो गई है वो लिख दें चैट पे, और जिनों की नहीं हुई है वो भी लिख दें जरा मुझे, कौन कौन है जिन्हें जमा करवानी है। सही है बेटा, गुड नूर फातिमा कोमल, ओके निहाल की भी हो गई, ओके साइम थैंक यू अशर, और कौन है भाई। बेटा आज करवा दो, लाजमी आज लाजमी तौर पे करवा दें। आ जाया था कोई नहीं था भाई, कोचिंग खुला हुआ है भाई, 6 बजे तक खुला हुआ है।